जैसा आपने टर्मनेल में देखा बिल्कुल लगभग कई हद तक ये बात सच है। यूजीसी ने दो कमीशन बनाने के लिए कहा। दोनों कमीशन में दो अलग अलग जगह के लोग हेड थे, एक हरियाणा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और एक इग्नू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। तो इन दोनों से कहा कि आप बताइए कि जो एकेडमिक और एजुकेशन का लॉस हो रहा है और जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने हैं ये सब कैसे मैनेज किया जाए, इस पर आप सजेशन दीजिए। इन लोगों ने फ्राइडे को एक सजेशन दिया, अपने अपने तरफ से एक एक सजेशन दिया। एक आदमी ने सजेशन दिया कि एक पैनल ने कि बजाय जुलाई के सितंबर से सब कुछ शुरू करते हैं। बच्चे बहुत खुश हो गए होंगे। और दूसरे पैनल ने ये कहा कि अगर यूनिवर्सिटीज़ के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्षमता है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, तो वो अपने एग्जाम्स ऑनलाइन कंडक्ट करा लें या लॉकडाउन खुलने का वेट करें ताकि पैनल पेपर से हो सके, आप सब कुछ पढ़ सकते हैं पॉज करके। और इसके लिए HRD मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने कहा है कि अगले हफ्ते तक वो लोग जवाब देंगे, तो जवाब का वेट रहेगा। मैं जानना चाहता हूँ अगर कोई यूनिवर्सिटी या स्कूल या जिसका भी कोई स्टूडेंट अगर देख रहा है वीडियो, मुझे कमेंट बताया कि वो किस सजेशन के अप्रूव होने का इंतजार कर रहा है, क्या फैसला वो चाहता है, एक स्टूडेंट का माइंडसेट क्या कहना चाहता है कि इसमें क्या होना चाहिए, उसको कैसे फैसले का इंतजार है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।